तो सबसे पहले इसे बालों में देख सकते हो, एक डायरेक्शन है जो अपन को दिख रही है। बैकग्राउंड में देखो तो एक डायगनल डायरेक्शन सी दिख रही है अपन को, तो अपन बालों में ऐसा बेसिक डायरेक्शन डाल देंगे, लाइक इन वाले बालों में इन हर पे अलग है, थोड़ा बीच में अलग है, पीछे भी है। तो यहाँ अगर डायरेक्शन देखो तो यहाँ पे इस तरीके से, देखो बहुत दूर दूर नहीं करना और एकदम बहुत डार्क भर भर के भी नहीं करना है अपन को। डायरेक्शन ले ली तो अब एक और डायरेक्शन पकड़ लो, या तो यही वाले में डाल दो या फिर एक अलग डायरेक्शन करो। मैं अलग डायरेक्शन भी कर लेता हूँ। ठीक है ये हो गया, यहाँ पे एक डायरेक्शन डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन पकड़ लो। ठीक है थोड़ा सा एक एरिया आ जाता है जैसे ये वाला, यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रॉस हैचिंग कर दो इस तरीके से, ये दिखाने के लिए। यहाँ वालों को देखो इनकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ जाते हुए, ये एज अ बेस लेयर समझो कि अपन जो फर्स्ट लेयर कर रहे हैं वो एक हैचिंग है, एक डायगनल डायरेक्शन। यहाँ ईयर्स को पूरा मत भरना, इस तरीके से हैचिंग करना। ठीक है तो ये अपना एक बालू की बेसिक क्लियर हो जाती है, इतना करो। और यू नो टिल लाइक बिकॉज़ इन नवंबर दिसंबर जनवरी लैंडिंग स्टंप क्लियर फॉर दीस फोर मंथ्स, ट्राई टू क्रिएट लाइक यू नो एन एंटायर शेड्यूल वेयर ऑन मेबी ऑन वन वीक डे एंड वन, यहां पे हैचिंग करी like that we are planning upar dark niche aata maybe light. If possible we can even have two art form sessions in like one, or you know we can have sessions on Saturdays and Sundays, every Saturday Sundays where from upar morning to afternoon we are sitting in that morning part they will teach, we'll have a break and then we can have like a small competition in that session where we can give them an activity or a task upar guest shade kar do whatever they have learned and then they submit it to us. हल्का हल्का that is there and then from that we can find out the best performance for all these week ऊपर and we can try to give them some art gift, art related gift or something like that. ठीक है फिर eyelashes की practice करने बोलता हूँ मैं, that is there. तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, sort of like a तो हल्के फुल्के जो है वो बना लो everyone, so we have to create a schedule for that and we have to identify people for art forms. So what you do is to, for that you list down the art forms which can be taught. Or you know certain things related to our club which are being done, which have been done in our club, that is there. Okay, we can even have a workshop on teaching live art performance as well, that is there. Okay, where we conveners can take up and few people can take up the responsibility. Alice, बहुत बड़े-बड़े नहीं बनाना। You know what kind of live art performances we expect or whatever it is. Okay. यहाँ पे भी हल्के-हल्के बनाने हैं। List down the art forms. I'll list down on which weeks what you guys are planning and from that we can circulate the art forms in the groups. We can ask people that which art form would you like prefer to teach, that is there. Because remember, okay, while entering the club you guys had asked you eyes. Are you guys comfortable in teaching your fellow तो reference में तुम्हें ये वाला area, reference में ये वाला area dark दिख रहा है, तो तुमने क्या किया पहले हल्के हल्के, ठीक है, like जैसे तुम shade करते हो ये वाला एरिया नोज का पूरा कर्व जो है ये डार्क किया, ठीक है, फिर ये जो नॉस्ट्रल की आउटलाइन है ये भी डार्क करी। अब तुम देख सकते हो रेफरेंस में ये पूरा एरिया ऐसे डार्क है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि ऐसे स्ट्रोक्स लगाओ थोड़े प्रेशर के साथ,
आगे तक एक जैसे नहीं ले जाने, तो मैं देख सकते हो ऊपर आ रहे हैं, यहां से स्टार्ट है और डायरेक्शन ये आ रही है, तो यहां तक लाए अपन, लेकिन अब छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और ऊपर ऊपर आ गए, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़े का आगे का जो एरिया है ना, जैसे टिप वाला जो एरिया है, अपन देख सकते हैं टिप वाला एरिया थोड़ा डार्क सा है यहाँ पे ऐसे, तो अपन ने ये बना लिया। यहाँ पे थोड़े से हैचिंग है, तो इस तरीके से अपन को ये छोटी छोटी चीजें देखनी होती है। अब अपन ने इतने 3 से 4 लेयर लगाई है, ये पूरा गायब ही हो गया, तो हल्के थोड़े से प्रेशर के साथ यहाँ पे ऐसे कर्व स्ट्रोक्स लगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना एक जो छोटा एक पोर्शन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है अपन को, जैसे ये नोज का भी छोटा एरिया, तो ऐसा नहीं कि अपन उल्टा सीधा कुछ भी फिल कर दो, नहीं, जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर है लेकिन इससे ज्यादा डार्क है, तो मैं इस पे एक और लेयर लगाऊंगा, ये पूरा भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, अपन को दिखना चाहिए पास से कि हाँ भाई किसी ने स्ट्रोक्स लगाए हैं यहाँ, और जरूरी नहीं कि तुमने एक डायरेक्शन में लगा दिया तो दोबारा नहीं। मान लो यहाँ पे मुझे डार्क चाहिए ये वाला एरिया, तो मैं इस डायरेक्शन में लगा चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा लगाना चालू कर दूंगा, ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मैं दोबारा लगाना चालू कर दूंगा ऐसे। आईलैशेस अपने थोड़े लाइट हो गए होंगे तो उन्हें दोबारा बना देना ऐसे नीचे वाले, तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं अपना एक पोर्शन, ठीक है। ये भले ही अपन ने आज थोड़ा कम किया हो लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे फेस में होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्शन पकड़ के करेंगे कि इसके बाद फिर अपन ने राइट आई पकड़ ली, या फिर इसके बाद अपन ने लिप्स करे, लिप्स के बाद ये माउथ वाला पोर्शन करा, फिर नोज करी, फिर आईज करी, फिर चीक्स करे, फिर फोरहेड किया, इस तरीके से एक एक पोर्शन करेंगे अपन, एक बार में नहीं कर सकते कि भाई पूरे यहां से लेके यहां तक पूरे चेहरे में एक हैचिंग मार दी, नहीं, अपन एक पोर्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इतना करो जितना भी मैंने बताया, थोड़ा ये करेक्शंस, ओके, और आज के लिए इतना, ठीक है, यस सर, करेंगे अपन। तो ये सा थोड़ा जो नीचे की आउटलाइन है, अब इसे थोड़ा आउटलाइन देना स्टार्ट करो यहाँ पे, ऐसे थोड़ा डार्क सा। अब यहाँ देखो ये जो शेडो दिख रही है नोज की, ये थोड़ी डार्क है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ से अब ऐसे स्ट्रोक्स लाओ इतने पोर्शन में, लाइक मैं तुम्हें अगर एक ट्राइंगल बना दूं तो ये पोर्शन जो है तुम्हारा ये डार्क होना चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं तुम्हारे, लाइक ये नॉर्मली तुम्हारे स्ट्रोक्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे नॉर्मली स्ट्रोक्स ऐसे आ रहे हैं बहुत आराम से, ये बेस लेयर टाइप हो जाता है जो, लेकिन जो इसके अंदर आएंगे वो तुम्हारे थोड़े डार्क से होंगे, ठीक है। एक और डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं ये ऐसे डार्क सी डायरेक्शन हो गई, क्योंकि अपन को 2 डायरेक्शन तो मिनिमम ऐड करनी है, ये शेडो ऐड हुआ, अब तुमने एक और डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ना, जैसे ये है, तुम नहीं भी छोड़ो कोई परेशानी नहीं, अपन इरेजर से इरेज करके बना लेंगे, तो अभी तो नॉर्मली पहले डायरेक्शन फिल करो, तो डायरेक्शन पे ध्यान देना जरा, ये है सेम डायरेक्शन लेकिन ये थोड़े अलग प्रेशर के साथ बनाया मैंने, ठीक है, ये और ये सेम प्रेशर रखना है अपन को। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आउटलाइन दो इसकी, और यहाँ पे फिर एक और डायरेक्शन ऐड करना स्टार्ट कर दो ऐसे डायगनल, क्योंकि अपन को ये और ये सेम ग्रेडियंट का रखना है, एक जैसा दिखना चाहिए ये, ऐसे नहीं कि एक लाइट एक डार्क दिख रहा है अपन को, अब ये वाला पोर्शन। एक चीज ध्यान रखना, मूछें जो आती हैं, मूछों की डायरेक्शन ऐसे रहती है थोड़ी, तो हल्के हल्के इस डायरेक्शन में से स्ट्रोक्स बना दो, तो वो हल्की हल्की जो मूछें लगती हैं वैसी सी दिखे, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऐसे किया, थोड़ा इसे और कवर कर दिया अपन ने, फिर आते इस वाले पोर्शन पे, तो ये वाला पोर्शन भी लगभग सेम ही है, तुम्हें क्या करना इस तरीके से एक स्ट्रोक्स लगाते जाओ, देखो डिक्रीजिंग में लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसे गिर सी रही है, यहाँ से देख सकते हो गिर रही है, इधर पे भी लगाया मैंने कुछ हल्के फुल्के स्ट्रोक्स,
ठीक है, अब मूछो वाले जो स्ट्रोक्स आते हैं, जैसे ये वाले देख सकते हो, तुमने क्या किया, थोड़े ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए ये वाले डायगनल से थोड़े हट के तुमने ऐसे थोड़े स्ट्रोक्स लगाए, फिर हल्की सी जो मूछो वाला इफेक्ट आता है वो आएगा। अच्छा, सेंटर में अपन ने ये शेप बनाया था, इसको सेंटर से डिवाइड करो, जो राइट हैंड साइड पोर्शन है उसे पूरा डार्क कर दो और लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हल्का सा शेड करो। ओके, ये अभी भी अपना देखो कंपैरिजन में उतना डार्क नहीं हुआ है, नीचे वाला जो शेडो वाला पोर्शन है, तो अपन क्या करेंगे थोड़े और डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे, ठीक है, थोड़े और डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे ऐसे। नोज के नीचे नीचे तक भी जाएगा ये, तो ये अपना जो डेप्थ चाहिए होती है अपन को, ठीक है, यहां से ऐसे तो शेडो चाहिए होती है वो आ गई अपनी, ठीक है। तो अपन को क्या रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हो, ये थोड़ा छूटा हुआ सा है, जैसे लाइक तुमने कुछ हैचिंग कर दी पूरे वाले पोर्शन में, लेकिन ये तो थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है। तुम अपनी इरेजर लो, ठीक है, हल्का हल्का, तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं, बस ऐसे इरेजर रखो, यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर दो, ठीक है। इरेज करने के बाद दो चार ऐसे पेंसिल पीछे पकड़ो, दो चार स्ट्रोक इधर उधर ऐसे मार दो, बस हो गया, ठीक है। तो ये एक मूछो वाला पोर्शन हो जाता है, तो इतना करो। तो फोरहेड वाला एरिया अपना आसान है, ठीक है, फोरहेड में देखो एक सिंगल डायरेक्शन इस साइड के, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे तरफ आ रहे हैं, थोड़े वर्टिकल हैं, तो अपन पहले जो बेसिक डायरेक्शन है जैसे यहाँ तक का करेंगे अपन, एक जो कॉमन सी डायरेक्शन है जो अपन को यहाँ दिख रही है पूरे में, वो है ये, पास पास ही रखना, ठीक है, यहां तक ही लाओ, सिर्फ आईब्रो के लेवल तक, तो बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हुआ। अब तुम्हें जो दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं उन्हें पास पास लगाओ, जैसे ये वाली डायरेक्शन जो आ जाती है इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं मान लो पहले तो यहां तक आ रहे हैं, ये थोड़े पास पास लगाओ, थोड़े डार्क लगाओ थोड़े, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, एकदम काट दिए, थोड़े प्रेशर के साथ लगाओ, ठीक है, इतने पे अभी छोड़ दो। फिर यहाँ पे थोड़ा आईब्रो के ऊपर देख सकते हो ऐसे वर्टिकल से जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो करो, यहाँ पे एकदम डायगनल नहीं करना ये वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पे थोड़े कम डायगनल के साथ थोड़े ऐसे ऊपर, ये सेकंड लेयर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी देखो अपने को यहाँ पे और डार्क चाहिए, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े पोर्शन में और डार्क चाहिए, तो वहां क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाना स्टार्ट कर दो थोड़े से, जहां जहां डार्क चाहिए अपने, थोड़े यहाँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला कि जरूरी नहीं कि अपन जिस एक डायरेक्शन में जो स्ट्रोक्स लगा चुके वो दोबारा नहीं लगा सकते, उसे लगा दो, तो यहाँ पे तुम्हें जरूरत लग रही है लगा दो, तुम ये देख सकते हो कि अपना जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है एकदम रिफाइंड स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है, पास पास है। देखो अपन जो नॉर्मल लगाते दो स्ट्रोक लगा इतना गैप है, लेकिन अपन ने गैप इतना कम कर दिया उसे, ठीक है, तो यही चीज अपन को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, तो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।